भारत के खिलाफ इंग्लैंड के 19 साल के खिलाड़ी ने डेब्यू किया है। आज हमारे साथ उसी 19 साल खिलाड़ी हसीब की फैमिली साथ में है, आइए उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हसीब के बड़े भाई से बात करते हैं, वही हमको सारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करेंगे। आप बताइए कि आपका क्या नाम है और आपकी फैमिली मेंबर सर? जी हाँ, मेरा नाम है सफवान, ये मेरा छोटा भाई नौमान, ये मेरा लड़का जियाद, ये है मेरी बहन सुहाना और मेरी बीवी आयशा। अच्छा ये बताइए, हसीब का जो सफ़र है, काफ़ी यंग एज में उन्होंने इंग्लैंड टीम के लिए डेब्यू किया है, कैसे सफ़र हो रहा, कैसे उन्होंने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की? जी वो जब बहुत ही छोटा था, मेरे ख्याल से वो 4 या 5 साल का था, जब वो हमारे रूम में खेल रहा था, लिविंग रूम में खेल रहा था अपने पापा के साथ और मेरे भाई हमारे साथ। और वो जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि हम भी खेल रहे थे क्रिकेट, पापा को ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, तो ऐसे ही इसका शौक पैदा हुआ। और जब भी हम खेलने जा रहे थे वो हमारे साथ आता था, देखता था सबको, हम जब इंडिया आते थे क्रिकेट खेलने के लिए तभी वो आता था, तो ऐसे ही इसका शौक बढ़ा और उसने भी यंग एज पे शुरू किया क्रिकेट खेलने के लिए। फैमिली के रूट्स जो हैं वो गुजरात से ही हैं, भरूच इलाके से, तो कैसे आप लोग इंग्लैंड गए, कैसे आपकी मतलब यहाँ पर किस जगह रहते थे, थोड़ा उस बारे में हमको बताइए, कब आप लोग गए और कैसे कैसे ये सारा? जी हाँ, मेरे पापा 1969 में भरूच से इंग्लैंड आए, बोल्टन में सेकंड में, और हम सबकी पैदाइश वहाँ पर थी। और पापा का ड्राइविंग स्कूल बिजनेस था एक, और क्रिकेट पे भी ज़्यादा शौक था, तो वो खेलते थे वहाँ पे क्लब क्रिकेट, लेकिन अच्छे लेवल के क्लब क्रिकेट खेल रहे थे वो, प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट और वगैरह। तो बात यह है कि मेरे पापा को जो सपोर्ट, मेरे पापा भी बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं मिला अपनी फैमिली का जैसे जो हमको मिला, तो मेरे पापा ने हमारे पीछे भी खूब मेहनत की और आज बस उसी का ही नतीजा है, तो हसीब इतना अच्छा कर रहा है। आप लोगों ने सोचा था कि हसीब को टीम में तो वो चुने गए, आप लोगों ने सोचा था कि इतनी जल्दी इंग्लैंड की टीम से मौका मिल जाएगा, इतनी यंग एज में उनको खेलने का मौका मिल जाएगा? कभी भी नहीं, आई मीन दिस वॉज ये इसकी उसकी पहली सीज़न थी, फर्स्ट फुल सीज़न एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर फलान के शहर। हम लोगों को था कि ये स्पेशल टैलेंट है, ये ज़रूर इंग्लैंड खेलेगा एक दिन, लेकिन इतनी जल्दी 19 ईयर्स के एज पे लोग हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसकी अच्छी सीज़न रही फलान के शहर के साथ। और जब वो सिलेक्ट हुआ बांग्लादेश की टीम के लिए, तब तो हमको लगा था कि ये खेलेगा प्रीटी सून। अच्छा आपकी फ़र्स्ट फीलिंग क्या थी, आप भी हसीब के बड़े भाई हो, आपकी फ़र्स्ट फीलिंग क्या थी जब वो इंडिया के खिलाफ डेब्यू करने उतरे मैदान पर, खासकर अपने गुजरात में? बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी, क्योंकि हमारे जो रूट्स है वो वापस गुजरात तक पहुँचाते हैं, जिस तरह अभी बड़े पहले ताल्लुक रखते हैं हमारे वाले दिन की पैदाइश हुआ, तो हसीब का जो डेब्यू हुआ गुजरात में ही हुआ, वो तो हम समझिए कि बहुत ही स्पेशल है इस ताल्लुक के वजह से। और सिर्फ इतना नहीं कि इंग्लैंड के लोग उसके पीछे है, लेकिन यहाँ के भी आवाम का बहुत सपोर्ट है हसीब के लिए, तो इसके लिए बहुत स्पेशल है। तो आप लोग कभी डबल माइंडेड नहीं होते कि आपके रूट्स इंडिया से हैं और आप अभी इंग्लैंड में, आप इंग्लैंड के सिटीज़न हो, तो आप कभी डबल माइंडेड नहीं होते कि किस टीम को सपोर्ट करें, पहली बार ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ हो आपके साथ? नहीं, अभी हम लोग तो शुरुआत से ही इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश वहाँ पर हुई है, लेकिन जो इंडिया के जो आइडल क्रिकेटर्स हैं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इस किस्म से विराट कोहली, अभी उनको तो हम पहले से ही शुरुआत से ही सपोर्ट करते हैं, हमेशा सॉफ्ट स्पॉट रहा है। अच्छा आप बताइए, हमारे साथ हसीब की छोटी बहन भी हैं, आप बताइए कि जब वो आपके साथ कभी ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि वो इंडिया को सपोर्ट करें या इंग्लैंड को सपोर्ट करें, या आपके मदर मम्मी पापा को कभी होता है, क्योंकि वो तो इधर ही रहे? अपने छोटे बेटे को भी क्रिकेट खिलाएंगे, क्योंकि आपने बताया आपके फादर भी क्रिकेट खेलते थे, आपके भाई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप तीनों लोग क्रिकेट खेले हैं, आप अपने बेटे को भी क्रिकेट खिलाएंगे? जी अभी वो खेलता भी एक, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया है लिविंग रूम में, जस्ट बॉल फेंकता हो और वो बैटिंग, काफ़ी छोटा है अभी वो 4 साल का है, तो फिर कोई ऐसा कुछ नहीं है जिस एन्जॉय करने के लिए, और मैं खुद ही कोच करता हूँ किड्स को, तो मुझे मालूम है कि एन्जॉयमेंट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किड्स के लड़के के अंदर, और बस ऐसे ही शुरू करना है। तो आप प्रोफेशनल कोच हो, अपने बेटे को भी कोचिंग दे? जी मैं
लंकाशायर पे कोचिंग करता हूँ जहाँ पे ऐसे खेलता है एज अ काउंटी क्रिकेटर और यह जियार को भी मैं ऐसे ही जस्ट जनरल प्रैक्टिस हसीब की पर्सनल फीलिंग क्या है मतलब इंडिया में डेब्यू करने के लिए हसीब से आपकी बात हुई होगी आप मिले भी होंगे उनसे तो हसीब की पर्सनल फीलिंग क्या है इंडिया के खिलाफ डेब्यू करना इंडिया में आकर खेलना उनका पर्सनल फीलिंग क्या है क्योंकि एक आप आपके रूट्स यहीं से हैं वो हसीब तो इस तो खुद बोला है कि उसका ड्रीम कम ट्रू है जिस स्टेज में हमारे जो पेरेंट्स का जन्म हुआ था वहाँ पर उसकी डेब्यू हुई तो वो बहुत हमारे लिए बहुत अहम और बड़ी बात है और यू नो हसीब के आइडल्स भी विराट कोहली है जो रूट के साथ सो और उसके खिलाफ खेल रहा है अभी तो फिर तो ये तो हसीब तो अभी ऐसा है कि वो बहुत ही ग्राउंडेड है और डाउन टू लड़का है लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो बहुत ही खुश है और शुक्र भी करता है कि इतनी 19 साल पर उसको मौका मिला इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने का। तो सवाल और पूछूंगा आपसे जैसे आपने बताया कि हसीब को विराट कोहली पसंद है आप लोगों को इंडियन टीम में कौन से खिलाड़ी पसंद है किस खिलाड़ी की बैटिंग या बॉलिंग सबसे ज़्यादा पसंद है? विराट कोहली विदाउट डाउट अभी मैं ऐसे ही कह रहा था मेरी फैमिली को तो मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ दो तीन दिन में तो मेरा भी ड्रीम यह है कि विराट से मिलूँ और कुछ लूँ ऐसा कुछ करूँ क्योंकि इज़ अ बिगेस्ट सुपरस्टार इज़ वर्ल्ड वाइड नॉट जस्ट इन इंडिया पूरे ग्रुप में और दुनिया में तो यह डेफिनेटली विराट कोहली। एक आखिरी सवाल आपसे आप अपने बेटे आपका बेटा क्या बोलता है जब चाचा को खेलते हुए देखता है ऑन फील्ड तो कुछ तो बोलता होगा छोटा मोटा क्योंकि मैच भी देखने लगातार वो तीन चार दिन से आ रहा है तो क्या बोलता है अपने चाचा को खेलते हुए वो और आपके मम्मी पापा का क्या फीलिंग है? छोटे को तो अभी जब हम खेलते हैं घर पे तो अभी मैं उसको सिखाता हूँ कब लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि वो मुझे पूछता रहता है कि लोग तालियां क्यों बजाते हैं ये वो तो मैं उसको कहता हूँ कि जब चार रन हुए या छक्का हुआ तब तो हर वक्त क्राउड ताली बजाते हैं तो उनसे पूछता है कि अब क्या हुआ चार हुआ या छक्का हुआ या क्या हुआ तो ऐसे स्टोरी स्टोरी उसको क्रिकेट थोड़ा जहन में आता है और उस पर वो इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेट भी करता है जब वो देखता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बड़ा लंबा दिन होता है तो इसीलिए वो ये कॉन्सेंट्रेट भी करता है कि अभी भी क्या हो रहा है क्या हुआ लोग क्यों तालियां बजा रहे हैं और मम्मी और डैडी तो यू नो अल्लाह का बहुत शुक्र मानते हैं कि उस हसीब को इतनी छोटी उम्र पे इतना चांस मिला कंट्री के लिए खेलने के लिए वो भी इंडिया में जिस कंट्री के दिल के गरीब है उसी कंट्री में उनको चांस मिला हसीब को चांस मिला और यू नो मेरी भाई की शादी भी हुई दो तीन दिन पहले तो वो लोग अभी बहुत ही खुश है क्योंकि उसकी शादी हुई वो क्रिकेट खेला डेब्यू किया उन्होंने पूरी फैमिली ही साथ है शादी इंडिया में अभी एक एक हफ्ता ही हुआ है अभी अभी भरूच में ही हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो ये थी हसीब की फैमिली जिनका ये मानना है कि हसीब बेशक इंग्लैंड की टीम के लिए खेले हों लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ नितिन भारद्वाज इंडिया टीवी राजकोट।